अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम अमेजोन डॉट यू ए में किस तरह हंटिंग करेंगे, ठीक है। मैनुअल हंटिंग हम किस तरह करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हम किस तरह देखते हैं और आर्बिट्राज वगैरह होलसेल वगैरह के लिए हम प्रोडक्ट किस तरह अपना निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सटेंशन वगैरह भी बता दूंगा और कौन कौन से रिटेलर वगैरह सप्लायर वगैरह यूज़ करने हैं अपने, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन किन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है, वो सारा इंशाल्लाह इसमें फुल वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो जो सबसे जो मुश्किल होता है ना यूएई में, वो होता है प्रोडक्ट को हंट करना, कि आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको इसमें तरीका बताऊँगा ना, तो वो है हम इसमें ना लोगों के जो स्टोर है ना वो स्नैच करेंगे, ठीक है। उसमें से हम जाके एक एक प्रोडक्ट देखेंगे और वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना बीएसआर होना चाहिए, कितने सेलर वगैरह होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है कि कितने कितने धर्म का होना चाहिए, ठीक है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने इसमें एक्सटेंशन कौन कौन से यूज़ किया है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंशन और रिटेलर वगैरह पे वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है सेलर असिस्टेंट ऐप है, ठीक है। आप ये क्रोम में एक्सटेंशन ऐड कर लें, ठीक है। इसका जो आपको आपको किस तरह पता चलेगा भाई ये ऐप हमें क्या बता रही है, ठीक है। ये जो सारा आप इंटरफेस देख रहे हैं ना, ये हमें सब कुछ बता रही है कि यार इसका एसएन क्या है, बीएसआर क्या है, कैटेगरी क्या है, स्टॉक क्या है, ठीक है। आप ये लोड करेंगे आपको ये सारा स्टॉक बता देगी, कितने एफबीएम बैठे हुए, कितने एफबीए बैठे हुए, ठीक है। ये सारा कुछ जो आपको बता रही है ना, और इस प्रोडक्ट की रेटिंग भी आपने मस्त देखनी होती है, ठीक है, कि इसकी रेटिंग अच्छी भी है कि नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ ये वाली आपको ऐप बता रही है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एक्सटेंशन, वो आ जाती है ग्रैबले की, ठीक है। ग्रैबले आपको क्या एक्सटेंशन आपको क्या हेल्पफुल दे रही है कि भाई ये आपको बता रही है, इसमें भी आपको ये बताती है भाई आपका एसएन क्या है, ये किधर किधर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट किया ये कौन सी एफ, इसका बीएसआर 5 है इन ब्यूटी में है, ठीक है। ये भी 6 एफबीएम है और 64 एफबीएम बैठे हुए, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह ये भी आपको बता रहा होता है, ठीक है। सेकंड आप आ जाए आईपी अलर्ट है, आईपी अलर्ट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। ये है इसमें ये पैसों का होता है, बाकी जो है वो सारे फ्री हैं, ठीक है। ये आपको क्या बताता है यार, ये बता देता है इस पर आपको कोई आईपी कंप्लेन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। जब आईपी कंप्लेन होगी ये रेड कलर का आपके पास आ जाएगा कि यार आप इस पर थोड़ा सा अवॉइड ही करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑनलाइन सेलर एडॉन, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बता देता है कि यार इसमें कितने सेलर वगैरह बैठे हुए हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। आप क्या जाएंगे काउंट स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं ना, जितने भी सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ये सारा कुछ आपको बता देगा। सारा देखें लिस्ट आ गई है किस चीज़ की, सेलर की। एक मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल बता रहा है कि यार ये किसमें कितने सेलर बैठे हुए हैं, ये सारा लोड हो जाए तो आपको ये सारा डिटेल ये फिर से दिखाएगा, इसमें कितने सेलर बैठे हुए हैं, कितने पैसे, कितने इन्होंने प्राइसेस बताई हुई है, कितने स्टॉक है, ये सारा कुछ इसमें आपको ए टू जेड डिटेल बताएगा, ठीक है। ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ जो मेन एक्सटेंशन थे ना जो अमेजोन डॉट यू ए में होते हैं, ठीक है। यूएसए में हम अलग और भी एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन जो हम इसमें यूज़ करते हैं ना, हम ये तीन चार करते हैं और उनका बहुत सारे जो कीपा वगैरह ये वो एक्सटेंशन जो अभी यू ए जो हमारी मार्केट है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो वहाँ पर अभी एक्सटेंशन वगैरह इस तरह यूज़ होते भी नहीं है और चलते नहीं है, ठीक है। अभी जब वो वहाँ पर भी लॉन्च हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट भी अपडेट देता रहूँगा, सही है। ये चीज़ आपने चेक कर ली कि भाई आपको एक्सटेंशन कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। आपको रिटेलर कौन कौन से हैं, ठीक है, जो बेस्ट रिटेलर हैं, जो अच्छे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब फर्स्ट क्राई है, ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। एक जो बेस्ट है वो है नून, ठीक है, ये भी बेस्ट सप्लायर है। नेक्स्ट आ जाएँ आप ड्रैगन मार्ट, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। उसके बाद आज आ जाएंगे कैरीफोर, ठीक है, और एक जो आप आ जाएंगे डेजर्ट कार्ड, ठीक है। ये चार पांच जो आपके पास है ना रिटेलर, आप ये इनका नोट कर लें। ये है कि आप इसे जब प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं ना, तो ये आपके अच्छी एक तो प्रोडक्ट बेचते हैं और उस पर ऑफ वगैरह भी होता है, और ये काफ़ी इनकी अच्छी सर्विस भी है, ठीक है। ये आप अगर किसी कार्ड वगैरह से करते हैं, जो ये कार्ड बताएंगे उसको आपको 5% ऑफ मिल जाएगा। ये देखें 51% ऑफ लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट इसके ऊपर लगी हुई होती है ऑफर, तो ये आप इस पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया ओवरऑल।
उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोडक्ट वगैरह पे, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह हंट करना है, आर्बिट्राज अगर आप करें तो आपको किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, उसके लिए आपने क्या क्या ध्यान रखना है, क्या 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 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, तो उसका प्रोसीजर आए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, देखें अब ये मैंने एक ब्रांड खोल लिया सीरावे, ठीक है, ये भी एक अच्छा ब्रांड है और एक निविया, ठीक है, आप इसके ब्रांड वगैरह भी ब्यूटी वगैरह में ये चीज़ें सेल कर सकते हैं, इनकी अच्छी सेल है और ये अच्छा रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने आर्बिट्राज वगैरह में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि प्लस 3 FBA सेलर हो, ठीक है, वो चीज़ आपने लिस्ट करनी है, अदरवाइज आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी है, ठीक है। जिस तरह 1 है, हम इस प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, हम इस प्रोडक्ट पर नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है कि यार इसका BSR कितना है, BSR आपने 2000 से 2500 के राउंड अबाउट तक जाना है, वो भी आप ना ही जाएं तो बेहतर है, ठीक है, कम से कम 1500 1000 से कम हो, ठीक है, इसका BSR तो आपको अच्छी सेल आएगी और अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर बहुत मजबूरी है, बहुत अच्छा आपको कुछ आप जाना चाह रहे हैं तो 2000 या 2500 से ऊपर BSR पे ना जाएं UAE मार्केट में, ठीक है। USA में तो हम 40,000 BSR तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है यार मोर देन 3 FBA बैठे हुए, ठीक है, जब आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो मोर देन 3 FBM बैठे हो, अगर FBA नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं ना तो आप आर्बिट्राज के लिए देख लेंगे मोर देन 3 FBA बैठे हुए, अगर FBA में बैठे हुए हैं तो उसका आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो उस चीज़ पे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैंने आपको BSR का बता दिया कितना होना चाहिए, कितने FBM बैठे हुए होने चाहिए, और नेक्स्ट जो है ना आपकी प्राइस मोर देन 30 होनी चाहिए, ठीक है, 30 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर प्रॉफिट इसमें अच्छा निकल आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेन मेन थी ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है ना चलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ आपने हंट किस तरह करना है प्रोडक्ट को, और जो आप ब्रांड इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि भाई आप कोई भी ब्रांड खोलेंगे ना उसमें आप देख लें यार कितने सेलर सेल करें हर प्रोडक्ट पे। ब्रांड जब खुद सेल कर रहा होता है ना तो वो एक या दो लोग उसमें सेलर बैठे होते हैं, अदरवाइज सारे उनको IP कंप्लेन वगैरह भेज देता है और उनका अकाउंट वगैरह उड़ जाता है, ठीक है। और सेकंड बात आप देख लें जो UAE में जो है ना आपको 3-4 कंप्लेन भी आए ना तो आपका अकाउंट इतना रिस्क पे नहीं जाता, वहाँ पे थोड़ा सा अमेज़ॉन आपको छूट देता है, लाइक जिस तरह USA कैनेडा और UK वगैरह में आपका अकाउंट एकदम से ही Section 3 में उड़ा देता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है अमेज़ॉन, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका एकदम से अकाउंट ही बंद हो जाए, आप कोशिश यही करें कि आपको कोई इशू ना ही आए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 8 FBA बैठे हुए, आप ये प्रोडक्ट ओपन कर लें, निविया का मैंने आपको बताया, आपने निविया की 2-4 प्रोडक्ट्स ओपन कर लें कि जो आपको इस पे देखें FBA 6 बैठे हुए, ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ये जब प्रोडक्ट खुल गई ना जस्ट आपने करना है यहां से आपने इसको किया और इसको गूगल पे सर्च कर दिया, सर्च गूगल फॉर, ठीक है। ये अब यहाँ पे कितने का ये सेलर बेच रहा है, ये 69 का बेच रहा है, वो ऐसा डाउन से देखेंगे तो ये सारा हमें डिटेल ये भी बता देगा। बाकी आपने जो नेक्स्ट आपने सबसे ज्यादा जो देख लेना है, आपने यहाँ पे भी देखना है कि यार टोटल सेलर कितने बैठे हैं, 2 से 3 अगर सेलर है ना यहाँ पे तो तब आपने नहीं जाना, मोर देन 20 आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट है, अगर 20 से 22 सेलर बैठे हुए ना तो वो अच्छी है, उस पर IP कंप्लेन भी नहीं आएगा और आपका कंपटीशन अच्छा होगा, और अगर मोर देन 30 हैं 40 हैं 50 हैं वो भी प्रोडक्ट ठीक है लेकिन आपका कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी होगी आर्बिट्राज में। तो देखिए अब ये मैंने खोल लिया गूगल पे कि यार हमें ये किधर किधर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे तो हम सारे सेलर का देख लेते हैं यार साले कितने की सेल कर रहे हैं ये, नेट थोड़ा स्लो है, तो ये जब आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे सारे सेलर आ जाएंगे भाई कितने की सेल कर रहा है, कोई 69 की सेल कर रहा होगा, कोई हो सकता है 70, ये देखें यहाँ पे 69 की है, यहाँ पे 88 की है, 89 की है, डिफरेंट सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, इन स्टॉक है ये सारे, ठीक है, ये सारा जो आपको बता रहा है, और सारा आपने रेटिंग वगैरह प्रोडक्ट की लाजमी चेक कर लेनी है, ठीक है, रेटिंग कितनी है, देखिए इसकी 54,437 है तो ये अच्छी रेटिंग है इसकी, ठीक है। हमने इसको गूगल पे सर्च किया, हम देख लेते हैं यार ये कितने की मेरी है, ये तो सीरा वीस का अपना ब्रांड बेच रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, आपने किसी भी रिटेलर वगैरह के पास जाना है, ठीक है, ये देखें अब ये नून से मेरी है, ये मेरी है 65 की, ठीक है, अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है, ये 69 की, तो हमने इस तरह यहाँ से प्रॉफिटेबल देखना होता है कि हमें कौन सा ऐसा है जो जिस पे हमें अच्छी प्रोडक्ट मेरी है और प्रॉफिट भी हो उसका।
तो इसी को हंटिंग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हंटिंग होनी चाहिए आपकी, यानी कि यार कि थोड़ा सा मार्जिन नहीं होना चाहिए, अच्छी आपको प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह चेक कर लेना, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने जो आपको बताया था ये उस पर मिल रही है, ये 79 की है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने देख लेनी है कि यार सेम हो, ठीक है। ये देखें 69 की, तो यहाँ पे 70 की मेरी है, तो ऑफकोर्स हमारे पास इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो हम ये प्रोडक्ट छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई देख लेंगे, इसको चेक कर लेते, ठीक है। आपने जस्ट गूगल पे सर्च कर देना है इसको, तो ये आपको बता देगा यार कितने की है, ठीक है। यहाँ पे ये सेल हो रही है इसका, देखें 10,000 है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट वैसे मैं आपको बता देता हूँ आपने हंटिंग करनी किस तरह। ये देखें, ये उधर ही कैरी फोर पे 31 की मेरी है, आपने जस्ट यहाँ पे वही देखना है जो हमें यूएई में मिल रही हो, ठीक है। बाकी आपने अगर इसके सप्लायर लिस्टिंग वो होती है जिसपे कोई भी बाय बॉक्स वगैरह नहीं होता, जिस सेलर की कम प्राइस होगी उसके पास वो चले जाएगी सेल, सही है। तो ये हमने खोला है, यहाँ पे ये कितने की मिल रही है, आइए देखते हैं इसको ओपन करके। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं आपको बताता हूँ आपने ना हंटिंग करनी किस तरह, ठीक है। आपने यहाँ पे ना 3-4 प्रोडक्ट्स के देख लेने हैं कि भाई कितने FBA के बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको 10 FBA बेच रहे हैं, इसको 10 बेच रहे हैं, आपने ये खोल लेना है एक, ठीक है। डिफरेंट आपने देखा ये 7 बेच रहे हैं, आपने ये खोल लेना है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने ना खोल लेनी है, उसके बाद आपने ना इनकी ना स्टोर स्नैचिंग करनी है, ठीक है। इनके स्टोर्स में जाके देख लेना है इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। और बारी बारी हम गूगल पे सर्च करेंगे कि हमें उसका सप्लायर रिटेलर सप्लायर वगैरह ढूंढना होगा कि यार कहाँ से सस्ती मेरी है, ठीक है। जहाँ से फिर हमें सस्ती मेरी होगी वहाँ से हम फिर उस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता भी हूँ। प्रोडक्ट ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे सेलर वगैरह देख लेना भाई कितने सेलर हैं, ठीक है। 3 से 4 नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए, 20 तक हो तो बेस्ट है। इससे ज़्यादा 30, 40, 50 भी होते तो आप जा सकते हैं उस पर, लेकिन आपको ना कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। मैं आर्बिट्राज के जो प्रोडक्ट है ना वो निकालना बता रहा हूँ आपने, वो किस तरह देखना है, सही है। देखें यहाँ पे ना अमेजोन US, अमेजोन US, ठीक है। ये जो बंदा कर रहा है ना ये है आर्बिट्राज वगैरह कर रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना amazon.ae लिखा हुआ हो ना, तो ये कर रहा होता है आर्बिट्राज कर रहे होंगे, ठीक है। amazon.ae, ठीक है। उसके अलावा जो सेम होंगे ना प्रोडक्ट वो कर रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, जिस तरह ये है ना, ये मेरे ख्याल से ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है भाई, ठीक है। आपने किस तरह देख लेना कि यार आर्बिट्राज के प्रोडक्ट आपने किस तरह स्नैच करने, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखिए फिल्टर पे चले जाना है, फिल्टर पे जाके आपने ना प्राइम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो FBA कर रहा होगा ना उसके सारे आपको वो शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें FBA ही कर रहा है, आपने इसका ओपन कर लेना है, यहाँ पे ये चीज इसका आपने स्टोर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ना FBA वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने इस तरह इनके स्टोर जो है ना वो ओपन कर लेने हैं, ये देखें जिस तरह 10 FBM बैठे हुए, आप इसको खोल लेंगे प्रोडक्ट को, यहाँ पे देखेंगे 13 सेलर बैठे हुए, इसको आप ओपन करेंगे, इधर से आप फिल्टर लगाएंगे कि भाई मुझे सिर्फ जो आर्बिट्राज कर रहे हैं ना, अगर आप आर्बिट्राज का करें, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करें तो आप ड्रॉप शिपिंग सिलेक्ट करके आप ड्रॉप शिपिंग के लिए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें अमेजोन खुद सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ठीक है, यहाँ पे जो एक ही सिर्फ ये बैठा हुआ है, तो हम इस प्रोडक्ट पर जो कर रहे हैं ना FBA वो एक ही शो कर रहा है अभी, सही है। आप क्या करेंगे, अपने आपने ये चीज खोल ली है इनके अकाउंट, तो आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी सारी जो प्रोडक्ट है ना वो शो हो जाएंगी, ठीक है। सारों का आप देख लें, आपने इस तरह इसको कर ले लें,
ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये आपको सारी प्रोडक्ट्स वगैरह से शो हो रही है। देखें ये सात एफ बी ए बैठे हुए हैं, दो एफ बी ए प्लस बैठे हुए हैं, ठीक है। 75 इसका वी एस आर वगैरह, ये आपने प्रोडक्ट देख ली। इस पर प्लस टू बैठे हुए हैं, इस पर 8 बैठे हुए, ठीक है। आपने करना क्या, आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करना है, ये जो आपने स्टोर से जो प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं यार कितने का ये सेल कर रहा है, ये 33 का ये वाला सेलर सेल कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमें कितने का मिल रहा है। प्रोडक्ट का आपने देख लेना, ठीक है। 385 ml है तो आप वही वाला देख रहे हो, कोई चेंज ना हो। ये चीज आपने ना जब हंडिंग करेंगे तो वो आपने ध्यान में रखना है। मैं आपको जस्ट रेंडम सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपने किस तरह चेक करना है, ठीक है। ये तीन चार आपने इस तरह रिटेलर वगैरह इसके खोल लेने, देखना यार कितने का मेरा कितने का नहीं मेरा। यहाँ पे ये 51 का बता रहा है तो ये महंगा है, ठीक है। एक सेकंड ये लोड हो जाए जो मैंने ओपन किए हुए, ठीक है। ये जो देखें अभी प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, अवेलेबल सोन अभी ये है भी नहीं, लेकिन ये क्या 51.45 का सेल हो रहा है, ये महंगा, ठीक है। आपने ये भी देख लेना क्या सेम भी है या चेंज है, ठीक है। अब देखें ये चीज़ यहाँ पे नून पे मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको नून अपनी पिछली प्रोडक्ट उसमें भी बताई थी वीडियो वगैरह में, और इसमें भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सब आप रिटेलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कितने का मेरा 39 का, आपको यहाँ पे 40% ऑफ करके ये दे रहा है, ठीक है। अगर आप कार्ड वगैरह से यूज़ करते हो तो 5% आपको ये चीज़ें ऑफ मिल जाएंगी। यहाँ पे ये 51 का दे रहा है, तो यहाँ पे ये देखें 33 का सेल हो रहा है, तो देखें हमें महंगा मिला, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये 54.99 का सेल हो रहा है, राउंड अबाउट ऑफ 55 कर लें, ठीक है। इसका जो बी एस आर है 199.9 एफ बी ए बैठे हुए हैं, तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, सर्च गूगल, ठीक है। तो ये हमें बता देगा यार किधर किधर कितने कितने का यूज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है 53 का, और यहाँ कितने का है 54.99, तो ये हमें प्रोडक्ट ये भी प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने इस तरह यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप सारा देखने के भाई हमें कहाँ से सस्ता मिलेगा, ये देखें कोई viz.u.ae है, इन तरीकों से ना आपने जस्ट सिर्फ देखना होगा कि जो आपको सिर्फ यूएई में मिल रही हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, तो हमें यूएसए में नहीं चाहिए, तो हम इसको स्किप कर देंगे। जहाँ जहाँ पे देखें महंगी है तो हम वो प्रोडक्ट को स्किप करते जाएंगे, ठीक है। वो प्रोडक्ट हम इस पर ज़्यादा फिर रिसर्च नहीं करेंगे। देखें यहाँ पे ये कितने की दे रहा है, ये 96 की दे रहा है, तो ये भी महंगी मिल रही है हमें, तो इससे अच्छी तो हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यही हमने देखना है कि हमने सबसे सस्ती प्रोडक्ट किस तरह निकालनी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है ना, इसको हम इस तरह जस्ट गूगल कर लेंगे। मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि आपने किस किस तरह चेक करना है। ये देखें अमेजोन पे ये बिक्री है 118 की, ठीक है। और हम यू बाई डॉट इस पे ये हमें मिल रही है, ये देख लेते हैं हम कितने की मिल रही है। नून पे मिल रही है, ठीक है। ये चार पांच मैंने वेबसाइट खोल ली थी, अब देखते हैं यार ये कितने की मेरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं 118 की है ना, तो ये देखें यहाँ पे ये 150 की मिल रही है, यहाँ पे देखें डिफरेंट है और डिफरेंट पर है। आपने ना मैच करके देखना है कि यार ये कौन सी प्रोडक्ट हमारी मैच कर रही है और कौन सी होगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे ज़्यादा की है, तो ये भी हम स्किप कर देंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे ये कितने की दे रहे हैं, ये 115 की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने की मिली थी, 118 की, और यहाँ पे 115 की है, लेकिन इस पे प्रॉफिट हमें इस पे भी नहीं है, ठीक है। ये 20 पे आ जाए, 20 पे आपको कितने की मिली है, 204 की, तो प्रॉफिट इस पे भी नहीं है। तो इस तरह आपको ये है कि लेंथी प्रोसीजर है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोडक्ट को कॉपी करके पेस्ट करना होता है और आपने ये चेक करना होता है, ठीक है। इस तरह हम ये वाली प्रोडक्ट खोल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी एक प्रोडक्ट मिल जाए जिससे आपको हो गया यार ये देखो हमें प्रॉफिट इसमें हो रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे 59 की मेरी है, ठीक है। ये वाला सेलर जो बेच रहा है 59 का कोलगेट या ब्रशेज आई थिंक, तो हमें कहाँ पे कितने की मेरी है, ये वेबसाइट को ओपन नहीं हो रही है। अच्छा इधर आ जाए, ये हम देख लेते हैं, ये हमें मेरी है 19 की, ठीक है। ये भी बाय टू गेट टू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, बाय टू गेट टू, ठीक है। ये भी कितने की, ये है यहाँ पे 59 की, और यहाँ पे ये कितने की मिल रही है हमें, 13 की। तो आप इस पर जाहिर सी बात है आपको इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन आपने मैच कर लेना कि यार ये प्रोडक्ट मैच वही कर रही है कि नहीं, ये मैं आपको रैंडम वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को ना प्रॉफिटेबल इस तरह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने देखनी है। अब देखिए मैंने आपको एक निकाल के दिखाई है कि यार आप अगर एक लेंगे तो आपको 19 की मिलेगी, और अगर आप यहाँ से लेंगे amazon.ae से तो ये आपको 59 की यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इस पर सेलर देखिए 6 सेलर बैठे हुए हैं, 5 FBA वगैरह बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर ना, इसको ये यहाँ पे ये बता देगा कि भाई ये कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, बाद वेबसाइट की। तो यहाँ पे अभी ये प्रो इसका ना शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उस पर देख लेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हमें देख लेते हैं कितने की दे रहा है, ये आउट ऑफ स्टॉक हुई भी है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दे रहा है 75 की, और हमें इस पे कितने की मिली थी, 57 की। तो ये भी प्रोडक्ट हमें महंगी दे रहा है, ठीक है। ये है कि यहाँ पे इसको 60% ऑफ वगैरह ये वो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये महंगी ही मिल रही है, ठीक है। इस तरह देखें ये प्रोसीजर था, और नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने ना यहाँ से प्रोडक्ट मिली है ना, कोई भी आपने इधर से नून पे चले जाना है, आपने डिफरेंट, मैंने आपको ना शुरू में सारे बताए कि हम किस किस सप्लायर से ले सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने ना इधर से आप किसी भी कैटेगरी वगैरह में चले जाएं, जो अच्छा है ना वो होम एंड किचन है, ब्यूटी है, बेबी बेबी टॉयज वगैरह, ये यूएई में अच्छी वगैरह सेल होती है, ठीक है। ये चीज इन कैटेगरी में अगर आप जाएं तो ये बेस्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक एक प्रोडक्ट को कोई भी खोल लेना है, बेस्ट सेलर है ये ओपन कर लिया, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब सप्लायर के साथ आपने इसी तरह करना है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक प्रोडक्ट को देखना है कि यार जो ये प्रोडक्ट उधर है ये सेम ही है और इसमें हमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे ही एक करके बताया नून से, ठीक है। यहाँ पे मेरा 35 का ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आपने फिर देख लेना यार किस कौन सी सेम है, किस तरह का है, कौन सा कितने का सेल हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसीजर है, आपने स्टेप बाय स्टेप नून पे देखना है, बाकी जो है यहाँ पे उस पर आपने देखना है जो यूएई में सप्लायर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। डिजर्ट कार्ट है और ये सारा नून है और बाकी मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी।
ठीक है, ये सारा तरीका था ये जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आप किस तरह हंटिंग कर सकते हैं, अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक प्रोडक्ट को सर्च करना है और फिर आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।